हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पता है क्या हुआ, आज ना मुझे घर जाना है। आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो उसके लिए मैं मार्केट गई थी मम्मी के साथ। मम्मी को मुझे दिलाने थे बच्चों के कपड़े वगैरह, हम लोग लेने गए थे। तभी फ़ोन आया कि अनु आ रही है। एक्चुअली अनु और मुझे साथ ही जाना है, तो अनु को माजिद मेरे पास ही ड्रॉप कर जाएंगे, तो मैं फिर अनु को लेके और निकल जाएंगे हम लोग दोनों बहने। लेकिन ना अनु का कुछ फिक्स नहीं था, उसका 2 दिन से हो रहा था आएगी या डायरेक्ट दिल्ली जाएगी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। हल्का हल्का सा था कि बस हो सकता है आ जाए। तो उसका फ़ोन आया, फ़ोन भी मेरे फ़ोन पे नहीं आया, मैं फ़ोन घर पे छोड़ गई थी, लिबा को घर पे छोड़ गई थी। तो पापा के फ़ोन पे आया था कि आप इसे कह देना मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब पापा ने बताया तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, हमारे यहाँ गोश्त नहीं मिलता हर टाइम, सुबह सुबह ही मिलता है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो फाइनली अन्नू बाजी आ चुकी हैं और अन्नू बाजी खुद ही नाश्ता लगा रही हैं। उसको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नज़ारा है आपने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में देख ही लिए थे। तो मेरी तबीयत तो ऐसी ही रहती है। तो फिर बहनें तो बहनों को जानती ही हैं, आपको पता है बहनों से मतलब कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आ जाओ भाई कुछ करा लो, तो अपने आप। जबकि इसको खुद को भी इतनी मतलब दोपहर में आई थी ये 2 बजे, इसको इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन फ़ौरन आके कि नहीं अभी बताओ मैं क्या करूँ। और इसके अलावा हमारी मम्मी जी जो हैं, तो मम्मी और मैं साथ में ही शॉपिंग करने गए थे, तो फिर मम्मी मेरे पास ही आ गई, वो बेचारी गई नहीं, तो वो भी मेरी मदद करा रही थी। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ ही बनाया, मैंने अनु को फ़ोन पे बता दिया था कि क्या बनाऊँ। पहले मैंने उससे पूछा था, उसने कहा अभी बहुत गर्मी हो रही है तो बस हल्का खाना खाना है, आप दाल चावल बना लेना। तो बस फिर मैंने वही बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है खाली दाल चावल बनाया था, मैंने दाल चावल चटनी रायता जो भी मुझसे हुआ वो मैंने बना दिया और सबको बहुत पसंद आया, मेन बात यही है। वो मुझे बता रही थी यहाँ पे चिली पटाटो बहुत महंगे मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। तुम कहो कि यार चिली बनेगा तो चिली पटाटो कब खिला रही हो, तो अब चुप हो गई, कब खिलाने अरे शाम को मिलते हैं, पहले बता दें कभी तुम कहो मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। नहीं जैसे ये बात सही कह रही है, जैसे दिल्ली में आती है ना एक प्लेट, उसमें कम से कम भले ही महंगी आती है 70 रुपए की आती है, भर के तो देते हैं। यहाँ पर वो जो डब्बा आता है ना वो वाला, वो आधा खाली होता है। तो खाना हमारा बन चुका है, अनु माजिद को मैंने दे दिया था, लेकिन जब उन्हें खाना दिया था ना तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बना रही थी भैया के लिए भी खाना। मतलब खाना तो वही था, रोटी वोटी एक्स्ट्रा और डाल रहे थे, क्योंकि भैया को फ़ोन किया था खाना खाने के लिए, तो भैया ने कहा मेरे भी मेहमान आए हुए हैं तो आप मुझे भी एक थाली एक्स्ट्रा दे दो। तो बस यहाँ पर हमने सादा ही खाना बनाया है, गर्मियों में यही सादा खाना बहुत अच्छा लगता है। अनु भी यही कह रही थी बार बार कि अभी आपने एक तो बहुत टेस्टी बनाया है, और मैं यही सोच रही थी कि अभी ना कुछ बिरयानी या गोश्त वोश ना बनाए क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और आप लोगों को पता है यूपी में कितनी गर्मी चल रही है। तो बस उसने हाँ लेकिन एक चीज़ की फरमाइश की थी कि अपने हाथ की चटनी ज़रूर बनाना, तो मैंने वो भी बनाई थी और ये ले रहे हैं ये खाना, अब ये देकर आएंगे भैया को। तो बस ये करते करते ना बज गए थे शाम के 4, और अब माजे जा चुके हैं और मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो देख लो मेरी चटनी जो मैं बता रही थी ना, बस ये सब खाना अब मैं खा रही हूँ। मैं रोटी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है रोटी खाने की। तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए हमारे साथ। तो अब ये टाइम आते आते ना मतलब बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, बट फिर भी मैंने कहा चलो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए शूट कर देती हूँ। ऊपर चढ़ के लिबा, आप भी ऊपर चढ़ के करो, बिना म्यूजिक का डांस है ये इनका, बिना म्यूजिक का। आयसा आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत प्यारा। लिबू भी आई है, ओह सारे 3 मंदिर यहीं हैं, गांधी जी के 3 मंदिर। बल्ले बल्ले मजा आ रहा है, अच्छा गिर मत जाना, चलो सब बच्चे। अच्छा इनका देखो, ये तो बिल्कुल की माजिद की वो है, टू कॉपी। आओ आ लिबू, लिबू आ जा। तो बस जी ये है शाम का नाश्ता। तो यहाँ पर टिक्कियाँ ही हैं क्योंकि अनु ने बहुत वीडियोस में देखा था, बाजी बहुत तारीफ करती थी, तो अनु की फरमाइश ही थी कि बाजी टिक्की मंगा देना इनके। ठीक है, मैंने पूछा और कुछ करी नहीं, गोलगप्पे खाएंगे हम लोग, बस्ती मंगाई हमारे हाथ में खराब हो गए। तो ये सब गोल की बस्ती खाएंगे हम, वो मैं खाऊंगी और बाकी ये सब चीज़ें भी सब मिल बांट के खाएंगे। तो बाकी मैं ले आओ ना बर्तन ले आओ,
अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, सब काम करने, धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना, है ना लेवा। फोन दे दो, अभी देंगे ना, अभी देंगे। मम्मा हाँ जी, अच्छा पानी। हाँ अच्छा पानी। मैं तो पानी पूरी खाऊं। हाँ जी आप पानी पूरी खा लेना, आप पानी पूरी। हाँ आपके लिए पानी पूरी इसलिए मंगाया कि आपको पानी पूरी पसंद है ना, तो आप खा लेना, ठीक है। आपने बाल क्यों, हाय आपने बाल क्यों खोल लिया, आप भूतनी बन के क्यों घूम रहे। अच्छा 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 अनु जी निकालिए, आप पहले इन लोगों के गोलगप्पो का कर दो। छोटा दस्तरखान भी है मेरे पास, छोटा दस्तरखान है। लो जी बिछाओ हमारा छोटा दस्तरखान, मेरे पास भी है, मैं भी दिल्ली से ही लेकर आई थी मैं। अब जैसे हम, मैं और बच्चे खाते हैं, इनके लिए खाते हैं, बैठ के बैठ के आयजा खाती है, तो इनके जमीन पे बैठ के खाती हूँ, बैठ के नहीं खाती। बारिश जोरों की हो रही है, अच्छी बात है बारिश हो रही है। तो बस जी अनु अपनी निकाल रही है सब कुछ। हाय 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 आयजा, लिबा आपको भी खाना है कुछ? हाँ लिबा भी खाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे खाते हैं, बच्चों के लिए बना दीजिए आप, अपने आप खा लेंगे आप, ठीक है। तो आप खा लीजिए, और ये मेरी टिक्की एंड दिस इज अनु की टिक्की। असल यहाँ की ये चाट वाट ही तो होती है, पापा हमेशा जरूर करते हैं केले में, केले वहाँ के भल्ले से भल्ले करते हैं। अच्छा वहाँ पर टिक्की को कह रहे वहाँ के भल्ले, कह रहे मेरे गोलगप्पे तो उसके पक्के थे, उसे पता था कि भाई साहब आएंगे गोलगप्पे जरूर खाएंगे। अच्छा कह रहे मैं कितने खा जाया करता था, मुझे ये नहीं कितने खा लेंगे। अच्छा हाँ सासनी से लगाव है उन लोगों का बड़ा, तो हाथ सासनी कितना डिस्टेंस 20 मिनट्स का। तो सारे फिर अंकल ऑफिस यहीं से जा रहे हैं, ऑफिस यहीं से जाते थे बीच में से चलेंगे। नहीं मेरा बेध्यानी में थी ना, मैं बेध्यानी में क्यों है भी खाया। चलो लाओ बस तब तुम खाओ। तो बस जी यहाँ पर टाइम हो गया है रात के डिनर का, और कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कबाब बनाए थे तो वो ऑलरेडी रखे हुए थे, तो वो मैंने सेक दिए हैं। कबाब के शेपों पे मत जाना, आप लोगों को पता है बर्फ़ लग जाती है तो थोड़ी शेप भी गिर जाते हैं। अच्छा मम्मी ने करेले बनाए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। तो ये करेले आप ये सोचेंगे बासी रख दिए, करेले कभी बासी नहीं होते, करेले की सब्ज़ी तो अचार की तरह होती है ये वाली जो हम बनाते हैं स्पेशली। सॉरी रेसिपी नहीं दे दूँगी आपको फिर। तो बस यहाँ पर ये करेले रख दिए थे, दाल रख दी थी। अनु ये नहीं खाती है, अनु को कबाब और रोटी ही पसंद है, इसके अलावा वो कोई शय नहीं खाती। तो बस बाकी सब खाऊँगी मैं। गुड मॉर्निंग आयरा, गुड मॉर्निंग आयजा, आयजू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अभी चौके होता है और ये सबसे शैतान जिंदाबाद, शैतान शैतान जिंदाबाद को सर्दी लग गई। इसकी नोची देख ली मैंने। अरे पता है अनु, मैंने ना रात ख्वाब देखा, पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा, और उसमें ना वो हुआ क्या कहते हैं, बच्चों को पकड़ लिया है, फिर मेरी आयरा लिबा को पकड़ लिया है। तो मैं ना आवाज़ लगा रही हूँ, मतलब मैंने कमरा खोला और मैं पता नहीं कितने लोगों को मार रही हूँ, ये करते करते मैं उस कमरे तक गई हूँ कि मेरी आयरा लिबा है। मैं आवाज़ लगा रही हूँ तीन बच्चों को, आयरा लिबा और तीसरा मुझे याद ही नहीं आ रहा नाम, लेकिन आयरा लिबा फिर मैं कह रही हूँ मेरे तो तीन बच्चे हैं, लेकिन मुझे तीसरे का नाम याद क्यों नहीं आ रहा। फिर आँख खोली तो पता चला अभी आया नहीं है ना इस दुनिया में, तो मुझे पता ही नहीं है उसका नाम क्या है। आयरा लिबा डैश, आयरा लिबा डैश। अब मुझे हंसी भी आई, फिर सोच के बैठ गए। मैं ना सुन लेगी तो और हंसते हंसते पागल हो जाएगी। क्यों फिर लेट हो जाएगी? हाँ हाँ पापा तो है, लेट हो जाएगी। अब हम लोगों को बस नाश्ता करके निकलना ही है, ठीक है। ओह देखो कितनी एक्टिव बन के दिखा रही है, रोज अपना नाश्ता खुद बनाती हैं। आज तो बनाने दू, बना लो। वो बनाएगी सैंडविच, मतलब सैंडविच कैसा, बस सॉस लगा लेगी उसमें। अरे तो वो बड़ी वाली इस बार पापा वो वाली लाए कांच की बोतल, वो आपसे खुलेगी थोड़ी, वो मम्मा से नहीं खुलती, इतनी भारी है।
मम्मा कितनी नाजुक कलाइयाँ, कितनी नाजुक है ना। वैसे स्वेलिंग आ रही है मेरे हाथ पैरों पे, तुम्हें क्यों ऐसी आ रही है? उसकी स्वेलिंग रहती है हाँ जी। अच्छा जी ठीक है, जो जिसको अच्छा लगे वो करें और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता बना लूँ? ठीक। तो बस जी यहाँ पर मैंने अन्नू बाजी के लिए नाश्ता बना लिया है, उन्हें बस यही खाना है और कुछ नहीं खाना। वैसे इस मामले में हम सारे बहन भाई ऐसे हैं, हम लोगों से सुबह ऐसा कुछ, और इवन अगर सफ़र में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप जैसे ऑपरेशन हुआ है ना, ऐसा लगता है कि पहले जा रहा था, मुझे खाना चाहिए, मैं पहले भी कुछ खा के नहीं जाती। नहीं तो मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगी, मेरी तो कंडीशन ही नहीं कि मैं खा के जाऊँ, मैं तो बस अपना वो डेली रूटीन का करके जाऊँगी। चलो आज तो आप कर लो, आ रहा मैं आपका भी बना कर ला रही हूँ। सब बच्चे हाय तो कर दो एक बार, हाय लिबू, लिबू सी हाय। हाँ इन लोगों की लड़ाइयाँ ही रहेंगी। आइजस वालेकुम अस्सलाम, फाइन। चलो तुम लोग कर लो फटाफट, ये लिबू इसकी भी दे दी ना, इसे खिलाओ पिलाओ, क्या खा रही है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मम्मा मैं आपको भूल जाऊँ ऐसा हो सकता है? आपने क्या करें? अच्छा तो मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ, ऐसा ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको भूल जाऊंगी? मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। कि वो चलो कौन सा है नो, आसमान सांस लेना भूल सकता है, हवा चलना भूल सकती है, हाँ लेकिन मैं आपको भूल जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आज थोड़ी थोड़ी मैचिंग भी हो रही है ना। मिलो ना तुमको, हम घबरा मिलो तुम। आ रहा है दादी से मिलो, दादी ऐसे मिला रही है आपको। चलो ऐसा हम फोटो कर लें, लिबा आ जाओ फोटो खींचेंगे, लिबा आ जा, लिबा वहाँ खड़ी है, लिबा फोटो खींचेंगे आ जा। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि बस अब हम लोग निकल रहे हैं, बैग सारे जा चुके हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, पर्स हैं तो बच्चों के भी इसी में डाल लेती हूँ। अच्छा आप टांग रही हो तो इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, चलो काम आएंगे कुछ ना कुछ रास्ते में। आइए इनकी पुफी ने दिए थे ये, एक इसके टांग दो ना अपनी वाली के, लिबा वहाँ तो जाएंगे ना बच्चे अपने, कुछ भी छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें हैं तो इसीलिए तो होते हैं ये, होते काफ़ी किसी लिए। नहीं नहीं तो हाँ मेरा है ना, चलो लिबा की सैंडल निकाल दो, लिबा सैंडल दो, लिबा तो गुस्सा हो गई, क्या हो गया? 40 निकल गई, मैं समझ रही थी इसकी शक्ल से 40 निकल गई, नहीं बिल्कुल सही टाइम पे निकली है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ लिबा को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, मैं अभी वॉश करा दी, चलो मैं पहले वॉश कराती हूँ बस। लेकिन आप लोगों से कहना बस अब हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में एक बार आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और फिर घर जाती हूँ। बाबू यहीं बैठ जाओ, जगह नहीं ना वहाँ पे। आ रही हूँ ये मार्केट है बिट्टू, पता नहीं हमें आ रहा। ग्लास तो अच्छे हैं दोनों ने एक ही साथ एक बात बोली, लिबो लो पी लो, लिबो पी लो। तुम भी पी लो, जूस एकदम बढ़िया है, पुदीने उदीने डाल के। ग्लास अच्छे लगे वरना वो पिछके पिछके से इतने बुरे लगते हैं। चलो मैं नहीं और लेना, ले लो ले लो, एक ही लो ठीक है बस।
तो भाई फाइनली निकल चुके हैं हम अपने सफ़र पे, और आयरा को देखो कितना डांस करके इतनी मस्ती चल रही है। तो बस मैं इस व्लॉग को ना अब यहीं एंड करूँगी, और फिर एक आप लोगों के लिए नया व्लॉग, घर जाके क्या हुआ, कैसे कैसे सबका रिएक्शन था, सब कुछ, क्या खाया क्या पिया, वो सब कुछ आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर बाप बेटी दोनों डांस करने में लगे हुए हैं, वो उसको स्टेप बता रहे हैं ऐसे ऐसे कर लो, तो वो कर ही रही है, हालाँकि वो खुद भी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखना। और हाँ, व्लॉग थोड़ा लेट था, बट इट्स ओके, बाय बाय।